नागपुर नगर निगम में स्टेशनरी घोटाले को रोककर महापौर दयाशंकर तिवारी ने अहम कदम उठाया है। उन्होंने शुक्रवार को हुई आम सभा की बैठक में सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। महापौर ने उपरोक्त निर्देश विपक्ष के नेता तानाजी वनवे और पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय जल के द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद दी। समिति का गठन महापौर द्वारा नगर निगम अधिनियम 31 के तहत किया गया था। महापौर द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे करेंगे। वरिष्ठ पार्षद संदीप जाधव, पार्षद वैशाली नारनवरे, पार्षद अधिवक्ता संजय बाल पांडे नगर निगम अधिनियम 31 के तहत समिति को जांच के लिए बाहरी लोगों को नियुक्त करने की सुविधा दी गई है। तदनुसार वे समिति को 7 सदस्य बना सकते हैं और इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त लेखाकार और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। मेयर ने यह भी निर्देश दिया कि नागपुर नगर निगम में स्टेशनरी घोटाले की रिपोर्ट अगले एक महीने में सदन में पेश की जाए। महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी सदन को निर्देश दिया कि वे निगम के पंजीकरण के बाद से घोटाले में शामिल 5 एजेंसियों की गतिविधियों की जांच करें। स्टेशनरी घोटाले वाले सम्माननीय पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष श्री विजय झलके यांनी स्थगन प्रस्ताव आणला होता, त्याच्यासोबतच तानाजी वनवे यांचा सुद्धा स्थगन प्रस्ताव होता। दोघांना क्लब करून आम्ही चर्चा केली। सभागृहात प्रत्येक सीनियर नगरसेवकांनी त्याच्यात आपली भूमिका मांडली आणि त्याच्यात तो घटनेचा उहापोह केला। प्रशासनाने सुद्धा आपली भूमिका मांडली। काही बाब जे प्रत्यक्ष लक्षात आली त्याच्यात प्रशासनाची भरपूर चुका त्याच्यात दिसत आहे, तो प्रोसिजरल लेकुना म्हणता येणार नाही, कारण बरेच दिवसापासून जर या प्रकारची हरकत सुरू होती तर हे लक्षात न येणार हे प्रशासनाची कुठे ना कुठे दिरंगाई आहे असा प्रथम दृष्ट्या लक्षात आला। सोबतच नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये स्पॉट ऑडिटरची पोस्ट आहे, सोबतच व्हिजिलन्स ऑडिटरची पोस्ट आहे। विजिलेंस ऑडिटर ची पोस्ट नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये रिक्त आहे, रिकामी आहे, तिथे कोणी नाही आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ और मायकल के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।